ठीक है ठीक है। टेक्निकल दिक्कत आ रही इसमें। क्लास रिज्यूम। अच्छा तभी हमारा नेट भी डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ नहीं नहीं टेक्निकल दिक्कत आ रही इसमें थोड़ा। एक बार चेक करो जरा आवाज वगैरह आ रही। YouTube की टेक्निकल इशू चल रहा था। चलिए तो वापस आते हैं। YouTube में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। यस सर आ रही। चलिए तो हम शुरू करते अपना क्वेश्चन कर रहे थे तो एक बार फिर मुझे आप बता देना यार। क्लास डिस्टर्ब हो गई टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है 8 सरिया लगी हुई थी आपकी। 8 सरिया लगी हुई थी 25 mm की। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। ये आपकी 550 था।
एक सेकेंड। चलो ये फोटो अभी सेटिंग बड़ी मुश्किल से कर रखी इसकी। चलिए तो हमारा AST कितना था वो मुझे बता दीजिए आप, AST कितना था वो मुझे बता देना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका फर्स्ट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है वो चीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आप लोगों का टोटल कंप्रेसिव फोर्स को हम बराबर कर रहे हैं टोटल टेंसाइल फोर्स के। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है 0.36 FCKB इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। तो ठीक है सीधा आप मुझे XU बता दीजिए। आपने XU निकाल रखा, XU आया आपका XU आया 264 ना, तो XU आपका 264 आया। XU 264 आया, ये आप लोगों का मैंने पहले बता दिया था 264 mm, ये आपका XU निकल के आ गया। अब सेकंड निकालते हम AST आपको 1925 ठीक है 1925 mm². दूसरी चीज मुझे XU लिमिटिंग बता दो। XU लिमिटिंग वही K इंटू डी, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ग्रेड ऑफ पिक्सल सेम है। तो 0.48 इंटू डी, तो 0.48 इंटू डी का मतलब 0.48 इंटू डी, डी कितना है, डी कितना आपका 550। तो आप मुझे डायरेक्ट बता दीजिए कितना निकल के आ गया आपका। तो XU लिमिटिंग तो वही आएगा 264, XU लिमिटिंग। अब XU किसी का कुछ आ रहा किसी का कुछ आ रहा, भाई किस पे विश्वास करूं मैं। XU कितना है, XU कितना आया 492 XU, अच्छा XU आया 492, तो XU निकल के आया आपका 492 mm और XU लिमिटिंग आया 264 mm। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग, XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग। तो सेक्शन हमारा ओवर रीइंफोर्स आ जाएगा, तो सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स, हाँ तो सेक्शन ओवर रीइंफोर्स आ जाएगा। अब आप लोगों का जो डाउट हो आ जाएगा सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स। ये फोटो जरा कुछ गड़बड़ हो गया, ये पूरी स्क्रीन में आ रहा है, इसको छोटा करा दूंगा कल। ओवर रीइंफोर्स, तो सेक्शन हमारा ओवर रीइंफोर्स आ गया। ओवर रीइंफोर्स में क्या करेंगे बताओ, सेक्शन अब ओवर रीइंफोर्स में क्या करेंगे बताओ, ओवर रीइंफोर्स में हम क्या करेंगे, ओवर रीइंफोर्स में क्या करेंगे। अब ओवर रीइंफोर्स में तो हम करते नहीं, अब इसको हम कहां तक लिमिट कर देंगे बताना। ओवर तो हम करते नहीं तो कहां तक लिमिट कर देंगे बताना। अब हम लिमिटिंग का निकालेंगे, सारी चीज आपको बता रखा। तो नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट आप लोगों का है, तो हम क्या कर देंगे, हम निकालेंगे यहां पर क्या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर इसको लिमिटिंग, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ओवर रीइंफोर्स बराबर हम कर देंगे इसको किसके बराबर, हम कर देंगे इसको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन के बराबर। हमने पुट कर दिया क्योंकि हम ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं डिजाइन करते। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा बताना, फॉर फ्रॉम कंप्रेशन साइड, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेशन साइड, तो क्या निकल जाएगा 0.36 FCKB इंटू XU, बी इंटू XU क्या कर देंगे D माइनस 0.42 इंटू XU। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ XU बराबर क्या रखा जाए,
अब एक्स यू बराबर क्या रखूं? बताइए, अब एक्स यू बराबर क्या रखूं? आप ही लोग बता दीजिए मुझे, मुझे तो आता नहीं। अब एक्स यू बराबर एक्स यू लिमिटिंग रखेंगे, अब एक्स यू बराबर एक्स यू लिमिटिंग रखेंगे तो हम ये जो पिछली वाली जो वैल्यू आपकी प्रीवियस, यहाँ पर हम 264 रखेंगे ना कि 492। 492 रखेंगे तो ओवर इनफोर्स निकल के आ जाएगा। अब सुन लो, तो कितना निकल के आ जाएगा मूवमेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक्स यू लिमिटिंग, ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो यहाँ निकल के आएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड 0.36 FCK। FCK कितना है? अब FCK कितना है? FCK है आपका M20 था, B आपका 400 था। XU बराबर XU लिमिटिंग रखेंगे तो XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा? XU बराबर XU लिमिटिंग 264। D फिर कितना है? 550 माइनस 0.42। XU बराबर XU लिमिटिंग 264 है। इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 6 से। जैसे 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, आप मुझे बता दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना निकल का आएगा कंप्रेशन साइड से? 333.87 किलो न्यूटन मीटर, ये निकल के आ गया। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना पूछे, यहां तक पूछना कि पूछे। हाँ, अब पूछना यहां तक। अब आप बोलोगे सर, आपने बताया था कि कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड से सेम निकलना चाहिए, आपकी गलती कहां हो रही? आपने गलती पकड़ी खुद की कि आप गलती कहां कर रहे हो कि आपका टेंशन साइड से अलग आ रहा, कंप्रेशन साइड से अलग आ रहा, गलती पकड़ी आपने, गलती पकड़ी किसी ने कि अलग अलग क्यों आ रहा? जब आप कभी किसी को क्वेश्चन को पूछते हो ना, जब आप किसी क्वेश्चन को पूछते हो तो 100 बार देखा करो उस चीज को कि ये गलती, ये मैं कहाँ एनालाइज गलत कर रहा हूँ, कहाँ एनालाइज गलत कर रही हूँ। लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, लड़कों को भी बोल रहा हूँ, लड़की थोड़ी नहीं कर रहे गलत। बताना जरा, बताइए कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा, बराबर क्यों नहीं आ रहा, क्यों बराबर नहीं आ रहा, बताना। हम नहीं पता तो बोल दो सर, आप ही बताओ, हम एनालाइज नहीं कर पा रहे उस चीज को। अब आप लोगों को नहीं पता तो बोल दो सर एनालाइज कर, हम नहीं एनालाइज कर पा रहे, आप बता दो कि हमारी गलती कहां हो रही। हम 0.8, अब सुन लो इस चीज को, अब सुन लो, आइए वापस बेटा ध्यान से देखो प्रीवियस। अगर हम इतना स्टील डालते हैं, ध्यान से देखो, हाँ तो कम नहीं है स्ट्रेस तो, हम तभी तो मैं लिमिटिंग तक उसको किया, तभी तो मैं लिमिटिंग तक रिस्ट्रिक्ट किया। अब सुन लो, अगर आप लोगों ने इतना स्टील डाल दिया, अगर आप लोगों ने इतना स्टील डाल दिया तब तो ये ओवर बन जाएगा। अब सुन लो, अब गलती कहाँ हो रही, आप एनालाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में किससे निकालूँ, कंप्रेशन साइड से, तो यहाँ देखोगे आप 0.87 FY इंटू AST इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। तो एक बार बताओ बेटा, अगर आप कह रहे हो कि सर हम XU बराबर XU लिमिटिंग रखेंगे, मैंने कहा रख दो XU बराबर XU लिमिटिंग, क्या रखोगे? FY AST D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग, आपने कहा रख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने कहा था कि सर जब भी ओवर बनेगा तो हम XU लिमिटिंग तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर आप लोग ध्यान से देखना, क्या अगर आप लोग कहां पर, अगर आप AST
अगर आप AST जो आपने बोला, अगर आप AST 3925 रखोगे ना, एक 3925 रखोगे तो 3925 XU से, ध्यान दें, AST अगर आप 3925 रखोगे तो XU लिमिटिंग क्यों, XU तो 492 आ जाएगा ना फिर। इसका मतलब आपको स्टील भी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको दोनों साइड से बराबर निकालना है, इसका मतलब आपको इस स्टील को कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है था तो ओवर, अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब क्या है कि अब जो स्टील था ना 8 mm की जो हमने सरिया की थी यूज़ 25 mm की, तब आप लोग को ओवर मन रहा था। लिमिटिंग करने मतलब अब स्टील कम करो, वो ओवर बन गया, स्टील कम करो। इसका मतलब आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और कंप्रेशन साइड टेंशन साइड से बराबर आना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर है 0.8, इसको 10^6 से गुणा कर दो वापस, तो न्यूटन mm में आ जाएगा। और क्या करो यहाँ से 0.87 FY कितना है, FY आपका 415। अब नया AST निकाल लो, क्योंकि जो अगर 2300 आपका अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उतना रख रहे हो, कहाँ गया, आप इतना रख रहे हो 3925। भाई 3925 क्यों रखेंगे, और एक बार बताओ खुद एनालाइज करो इस चीज को, अगर 3925 रखूंगा तो वो बैलेंस कहां से आ जाएगा उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप खुद सोचो इस चीज को, अगर 3925 रखूंगा तब तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका टेंशन साइड से आने वाला है वो तो ओवर का आ जाएगा, बैलेंस का क्यों आएगा, वो तो फिर ओवर का आ जाएगा, वो तो ओवर का आ जाएगा फिर। तो ओवर का आप ओवर का निकाल रहे हो, आप ओवर का निकाल रहे हो, आप अंडर, आप बैलेंस का थोड़ी निकाल रहे हो। खुद चीजों को सोचो इस चीजों को। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से डी 550 माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग कितना 264, यहाँ से AST निकालो नया, AST निकालो नया, मतलब नया AST डालना पड़ेगा। तो आपने बोला कितना स्टील डालना है, आपने बोला सर 2105, ये नया स्टील डालेगा, मतलब जो आपका 3900 था नहीं, उसको लिमिट करके 21 करो, अगर 39 कर दोगे तो ओवर बन जाएगा, 39 करोगे तो ओवर बन जाएगा वो, 39 करोगे तो ओवर बन जाएगा वो। तो यहाँ से जो आपका स्टील निकला, यहाँ से नया स्टील निकला, अगर इतना स्टील आपने यहाँ रख दिया, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों का बराबर आ जाएगा, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लोगों का दोनों का बराबर निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब पूरी चीज़ सुना करो ना, एनालाइज क्या करो चीज़ों को, कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आपने लिमिट कर दिया, तो स्टील भी तो कम करना पड़ेगा। अब खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर AST 3926 वाला रखूँ तो क्यों आ जाएगा मोमेंट, क्यों आ जाएगा बैलेंस का आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, खुद सोचो क्या वो बैलेंस का आएगा, वो बैलेंस का नहीं आएगा, वो तो ओवर का निकल के आ जाएगा फिर। तो आपको अब स्टील क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और हम पता है, हमें पता है कंप्रेशन साइड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो कंप्रेशन साइड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड के मोमेंट ऑफ, तो कंप्रेशन साइड हमने टेंशन साइड के बराबर रख दिया, और पहले AST निकालो। अब अगर आप लोग अब 2184, अगर आप 2105 रखोगे, अब आपका दोनों तरफ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम आ जाए। कहने का मतलब हम ये लिख देंगे कि अब स्टील आप लोगों को, अब स्टील आप लोगों को 3925 से कितना करना पड़ेगा, 3925 से आप लोगों को 2105 करना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई, अब बराबर आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा। अब समझ आई चीज, अब समझ आई चीज। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन में XU लिमिटिंग आया, अब आप खुद बताओ ना यार, XU तो छोटा आया, और XU लिमिटिंग जो छोटा आया, XU लिमिटिंग बड़ा आया, तो XU आपका क्या होगा। आप पहले क्वेश्चन में ये तो आया था, कहाँ गया, पहले क्वेश्चन में मिटा दिया। तो पहले क्वेश्चन में क्या आया था आपका, पहले क्वेश्चन में XU छोटा आया था XU लिमिटिंग से, तो अंडर रीइंफोर्स होगा, वो अंडर रीइंफोर्स है। तो किसी भी चीज को जब मैंने आपको बोल दिया कि उसको लिमिटिंग सेक्शन तक करो, तो थोड़ा आप एनालाइज क्या करो, क्या गलती हो कर रही, ये बराबर क्यों नहीं आया, जबकि सर ने तो बोला था बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब हमें स्टील को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमें स्टील को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और हमें उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो स्टील भी तो बैलेंस के लिए डालोगे ना भाई, स्टील भी बैलेंस के लिए डालोगे, स्टील भी बैलेंस के लिए डालोगे। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें,
चलिए अभी चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है, आएगा इक्वल अब इक्वल आ रहे हो। उसको लिमिटिंग कर रहे। अब अगला कह रहा हूं कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन, तो जरा बताना मुझे लिमिटिंग। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन, कि लिमिटिंग सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। वो कह रहा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन, ये कह रहे हैं सर बट अगर XU बराबर XU रख देंगे तो आएगी सेम, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? वो तो आएगी सेम लेकिन क्या हो जाएगा फिर? ओवर का नहीं आ जाएगा, ओवर तो हम करते ही नहीं है, दोनों का सेम आ जाएगा। XU मैं तो बोल रहा हूँ रख दो, XU बराबर XU रख दो, कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा आपको, लेकिन उससे क्या आएगा? उससे क्या हो जाएगा? ओवर इनफोर्स हो जाएगा आपका सेक्शन, और क्या हो जाएगा उससे? इतना ही हो गया, फिर तो ओवर जाएगा। ओवर हम करते ही नहीं, ओवर तो हम करते ही नहीं। एएसटी कितना कम करना है आपने? कितना एएसटी कितना आना चाहिए था? आपने तो बोला 2105, 2105 करना पड़ेगा आपको, 2105 करना पड़ेगा, उसको लिमिटिंग करना पड़ेगा। तो एएसटी 2105 करना पड़ेगा। तभी तो आएगा। अब चीज समझ आ गई, अब बताइए, अब चीज समझ आ गई। ठीक है, तब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अब क्वेश्चन कीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको मुझे आंसर निकाल के देना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करना मुझे बताना। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 300 में, ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन दे देता हूं, और मुझे आंसर निकाल के दिखाइए सब। ये बीम है, इसकी 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ, 500 mm है, ये 500 mm है, सॉरी 500 mm, ये 300 mm, 300 mm, और हाँ इरेज करता हूँ इसको, और इसमें लगी हुई आपकी 5x20 mm की, इसमें लगी 5x20 mm की, 1 2 3 4 5 5x 20 mm की, और इस ग्रेड एफ सी के दे रखा M15, वैसे RCC में M15 होता नहीं है, इसका मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले जब यूज हुआ करता था, लेकिन कोई बात नहीं आप कर लो। और ये FE 250 दिया हुआ है ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है,
अब इसके लिए मुझे मुझे मोमेंट ऑफ रेस्ट निकाल के दिखाओ फटाफट, इसके लिए मोमेंट ऑफ रेस्ट निकाल, फटाफट मोमेंट ऑफ रेस्ट निकालो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेस्ट निकालो इसके लिए फटाफट निकालो, फिर मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा। जब तक आप ये करो तब तक मैं दूसरा लिख रहा हूं। तो निकाले जरा, कैलकुलेट कीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, हाँ सर, हेलो सर, ये ना इसकी स्क्रीन जरा इसकी स्क्रीन और कैमरा थोड़ा वो खराब, अलाइनमेंट खराब हो गया, इसको थोड़ा सही कर देना आप ना वहाँ से। एक मिनट, आप मत चलाना मत भाई। हाँ मैं कुछ नहीं चला रहा, आप आपको छोटा करना है क्या सर? आपको छोटा करना है क्या? हाँ मुझे छोटा करना, फुल वाइट बोर्ड आना चाहिए क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं आ पा रहा है। बस बस ठीक है, और ये बोर्ड भी पूरा नहीं आ पा रहा सर नीचे तक। बोर्ड पूरा नहीं आता, मतलब अभी नहीं आ रहा, वैसे तो आता है, कंटेंट नहीं आ पा रहा। हाँ ठीक है ठीक, हो गया हो गया, अब ठीक है। हाँ भाई, तो कितना है आप लोगों का आंसर कितना है? आंसर कितना है आप लोगों का? आंसर बताइए मुझे बस सीधा।
हाँ सर बताइए। बताइए तो चीज क्लियर है आप लोगों का। तो समझ आ गया आपको। ये चीज क्लियर है ठीक है। तो मैं अगर जिसका नहीं हुआ मैं एक बार मैं कर देता हूँ। अब जिसका नहीं हुआ वो मैं कर देता हूँ एक बार। अब सुन लो फिर। तो सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक एक करके मतलब आप लोग फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम आप धीरे धीरे करेंगे तो सब आ जाएगा। तो कंप्रेशन फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स बार बार पढ़ेंगे सब आ जाएगा। 0.36 एफ सी के B into एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका एक्स यू क्या निकल के आ जाएगा। एक्स यू निकल के आएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। तो एक्स यू कितना निकल के आ जाएगा आप लोग जानते हो। तो 0.87 एफ वाई कितना दे रखा है। एफ वाई दे रखा आपका एफ ई 250। ए एस टी कितना है यहाँ रख देना। ए एस टी यहाँ रख देना कितना है। कैसे निकलेंगे पाई बाई 4 इंटू बी का स्क्वायर। ऐसी कितनी बार है पांच बार है तो ए एस टी कम AST आ जाएगा। यहाँ ए एस टी रख देना 0.36 एफ सी के कितना है 15 है और बी कितना है बी वट इज बी बी आप लोगों का 300 है। यहाँ से आप लोगों एक्स यू निकल के आ गया। एक्स यू कह रहा हूँ 350 आया। एक्स अब आधो का 350 आधो का 210 समझ ही नहीं आ रहा। एक्स यू कितना निकल के आया। एक्स यू की वैल्यू कितनी निकल के आई 210.89 210। तो एक्स यू निकल के आया 210.210 mm। अब क्या करना है आपको सेकंड। अब आपको एक्स यू लिमिटिंग निकालनी है सेकेंड स्टेप में। तो एक्स यू लिमिटिंग क्या होता है। एक्स यू लिमिटिंग होती है के इंटू डी। तो के कितना है के है 0.53 इंटू डी। डी कितना है डी आपका 500 है। इफेक्टिव डेप्थ 500 है। तो चलिए तो आप लोगों का ये आ गया। ए एस टी बता रही है 1570। तो मैंने 1570 रख दिया। अब मुझे नहीं पता सही निकाला कि गलत निकाला है आपने। तो ये इतना आपका एक्स यू लिमिटिंग कितना आ रहा। एक्स यू लिमिटिंग कितना आ रहा 265। एक्सयू लिमिटिंग कितना डॉट काटनी है। तो कंप्रेशन साइड से क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म कितना 0.42 सॉरी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। तो अब क्योंकि एक्स यू रखेंगे अब एक्स यू रखना पड़ेगा इसमें। तो आप रखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड
इज इक्वल टू 0.36 इंटू एफ सी के एम 15 बी कितना है 300 एक्स यू कितना है आपका एक्स यू 210 है एक्स यू कम्स आउट 210 डी कितना है 500 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू कितना है आपका एक्स यू 210 आया। इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा तो मोमेंट ऑफ 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपने बोला 140 तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 140 किलोमीटर मीटर आ गया। अब आप चाहो तो इसको एक बात चेक करना ये चीज क्लियर है गुड़ियाल गुड़ियाल 3D प्रोजेक्शन में बनते हो बिल्डिंग्स जो बाहर की तरफ गिरते हैं 3D प्रोजेक्शन में बनती हो बिल्डिंग्स। अच्छा। इंडिया में 1D में बनता है ना तब इससे कोलैप्स हो जाती है अंदर को US में बाहर मिलेगी सारी 140 ये चीज समझ आ गया। आप टेंशन साइड से निकाल लो आप इसको तो टेंशन साइड से क्या निकलेगा 0y इंटू AST डी माइनस 0.4 10 की पावर 6 से डिवाइड करना दो साइड से बराबर निकल के आ जाएगा। चलो तो दोनों साइड से बराबर निकल के आ जाएगा 157 आ रहा है 155 आ रहा मुझे नहीं पता कैलकुलेशन आप लोगों की है। अब मुझे नहीं पता ज्यादा आ रहा कम आ रहा कुछ नहीं करना आपको ओवर रीइन्फोर्स कुछ मत करो एक ही फॉर्मूला याद रखो कंप्रेशन साइड से सारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकाल लो टेंशन साइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओवर रीइन्फोर्स पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा कंफ्यूजन ही खत्म। पेपर में एक ही फॉर्मूला याद रखो कंप्रेशन साइड से और सारी की सारी चीजें कंप्रेशन साइड से निकाल लो बस काम खत्म। दोनों सेम आ रहा है हाँ दोनों सेम आ रहा है तो पेपर में कुछ मत करो पेपर में अगर आप ओवर रीइन्फोर्स का टेंशन साइड से निकालने लग जाओगे तो फिर आपको स्टील निकालना पड़ेगा दोबारा तो काम मत करो सीधा आप कंप्रेशन साइड से निकालो बस सीधा कंप्रेशन साइड से निकालो तो एक ही चीज याद रखो कंप्रेशन साइड से ही याद रखो और सारी चीज कंप्रेशन साइड से निकालना पेपर में। नहीं तो अगर आप अगर आप लोग ओवर रीइन्फोर्स का कंप्रेशन टेंशन साइड से निकालोगे तो पहले आप लोगों को स्टील लिमिट करना पड़ेगा फिर ये चीज क्लियर है फिर आप लोगों को आपको फिर टेंशन साइड से फिर स्टील निकाल के देना पड़ेगा उसको नया तो एक ही निकालो बस कंप्रेशन साइड से काम हो जाएगा अपना। तो बस यहां मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया दोनों साइड से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। बताइए बताइए क्लियर है अब मुझे ये बताओ फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्लियर है फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना अब कल से हम आ जाएंगे डिजाइनिंग में तो कल हम डिजाइनिंग करेंगे आपका सिंगली रीइन्फोर्स बीम की डिजाइनिंग करेंगे कल से। अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है डिजाइनिंग करने की तो बड़ा आसान है सब सारी चीजें बड़ी आसान है ठीक है तो कल से हम करेंगे सिंगली रीइन्फोर्स की बीम की डिजाइनिंग। अभी हमने तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है ये निकाला सेकंड टाइप का आपका डिजाइनिंग निकालना। सर मुझे कॉलेज सेमेस्टर के लिए सीखना है सर मुझे कॉलेज सेमेस्टर के लिए सीखना है तो सिखा तो रहा हूँ मैं क्या दिक्कत है कौन सा डाउट है आपका। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको अब ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जितना हमारा अभी तक हो गया उसका ऑब्जेक्टिव करा दूँ जितना हो गया अब उसका ऑब्जेक्टिव करा दूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेन है हमारा फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव करा दूँ मेन है प्रैक्टिस RCC की
आरसीसी की मेन तो प्रैक्टिस ही है, ऑब्जेक्टिव करा दूं बेटा? बताइए ऑब्जेक्टिव कराऊं? ऑब्जेक्टिव करा दूं बताइए? तो फर्स्ट जितना भी तक हो गया उसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव करते हैं पहले। यस सर करा दो। अब मेरी गारंटी आप लोगों की, मेरी गारंटी आप लोगों की, आपको खुद की एजुकेशन छोटी लगने लग जाएगी, क्योंकि आप लोग का जब आप बोलोगे सर मैं तो जेई तो मैं बहुत बड़ा आसान से निकाल पा रहा हूँ मैं, अब फिर लगेगा कि यार काश मेरे पास बीटेक होता। तो अब ध्यान से, तो सबसे पहले प्रॉब्लम 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 नोट करते हैं। सबसे पहले इरेश सर जी, मेरा डाउट इसी क्वेश्चन में, ए एस टी गिवन है ना तो एम वार ज़्यादा निकल के आ रहा है, ऐसा क्यों? अरे यार मेरे समझ ही नहीं आ रहा आपका डाउट क्या है। ए एस टी गिवन, ए एस टी हर बार गिवन होगा, जब जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा हर बार गिवन होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा कैसे बोला आपने ज़्यादा क्यों आ रहा? ये इन्होंने बोला ज़्यादा आ रहा, इन्होंने बोला 140 ज़्यादा आ रहा, इन्होंने बोला 140, आपको कैसे पता चला 140 ज़्यादा है? आपको कैसे पता चला 140 ज़्यादा है? आशीष चमोली कैसे पता चला 140 ज़्यादा है? आपको कैसे पता चला 140 ज़्यादा है? 140 कैसे पता चला बहुत ज़्यादा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ना हो ऐसा हो सकता है? आप खुद बताओ, ऐसा हो सकता है कि स्टील दिया ही ना हो और फिर पूछे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा? लो मैंने बोला, इन्होंने बोला, अब ये इंजीनियर की सोच देखो हमारे, ये कह रहे हैं कि सर ऐसा बीम अगर दिया हो कि इस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, ये बीम है और इसके कितना झेल सकता है, ये कह रहे हैं ऐसा हो कि इसके अंदर स्टील ना दिया हो, तो बताना बेटा एक बार बताओ इसके ये बीम है, खुद सोचो, ये आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना दिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना दिया हो? ऐसे कैसे हो सकता है ना दिया हो कि आपको बीम एनालाइज करना हो और आपको ना पता हो कि स्टील कितना? लो स्टील लगा हुआ ही नहीं है, ऊपर से लोड आ गया। लो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड क्या जाएगा? 0.87 FY into AST D माइनस 0.42 into XU। आपने बोला AST दिया ही नहीं है, जब AST दिया ही नहीं है तो कंप्रेशन और टेंशन साइड से मोमेंट तो ये रोक ही नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा, जीरो हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पूरा का पूरा टूट जाएगा। हे भगवान देखो अब हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान प्रकट हो जाओ, आपको प्रकट होना पड़ेगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता, हम आरसीसी पढ़ रहे हो और स्टील ना हो, ऐसा कैसे हो सकता हम आरसीसी पढ़ रहे हो उसके अंदर सरिया ही ना हो, तो पीसीसी हो जाएगा फिर तो, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद सोचो, इसको सोचो। हे भगवान इस कलयुग में जन्म ले ले और इनको बताओ कि हम आरसीसी पढ़ रहे हैं और ऐसे कैसे हो सकता है कि आरसीसी का बीम हो और उसके अंदर स्टील ना हो? हे भगवान, आशीष चमोली जब एएसटी निकालना हो और एनालाइज का क्वेश्चन नहीं है, वो फिर डिजाइनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन? एक बार बताओ, मैं आपसे पूछूं लो ये बीम है, इस बीम को एनालाइज करो, इसका मतलब आपका बीम पूरा बना हुआ है। जब मैं आपसे पूछूं बीम है ये डिजाइन करो, तब बोलोगे आपकी कॉन्क्रीट कौन सा लगाना है, कितना लगाना है, स्टील कौन सा लगाना है, स्टील कितना लगाना है, वो डिजाइनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा फिर, वो डिजाइनिंग का हो जाएगा, वो डिजाइनिंग का हो जाएगा फिर, वो डिजाइनिंग का हो जाएगा फिर, वो फिर डिजाइनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ ये शुभम पवार सही बोल रहे हैं कि अभी हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं जैसे आपको मैं बोलूँ मुझे एनालाइज करो, तो आप बोलोगे सर हैं हमारे कोचिंग पढ़ाते हैं, इनकी दो आंखें हैं दो हाथ हैं, तो आपने एनालाइज कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझ जैसा एक बीम डिजाइन करो, फिर आप लोग बोले कितना ग्रेड ऑफ स्टील लगेगा कितना लगेगा, तो अभी एनालाइज कर रहे हैं हम, अभी डिजाइन नहीं, डिजाइनिंग में तो हम आए ही नहीं अभी। वो एनालाइज का क्वेश्चन है, ये एनालाइज कर रहा हूं कि बी में जरा देखो जरा कितना मोमेंट झेल पाएगा, आप उसका एनालाइज करो, उसके बाद जो एएसटी निकलेगा वो हम निकालेंगे तब जब हमें आप लोगों का डिजाइन करना हो बीम को। एएसटी हाँ, एएसटी डायरेक्ट दिया ही नहीं होगा,
एस ध्यानी है, एएसटी एग्जाम में डायरेक्ट दिया ही नहीं होगा, नंबर ऑफ बार की फॉर्म में ही दिया होगा एग्जाम में। हाँ तो एएसटी नहीं दिया होगा तो एक ही बात है, चाहे नंबर ऑफ बार में दे दो चाहे कैसे भी दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता हमें, कैसे भी दे दे। ये चीज समझ आ गई, अभी हम डिजाइनिंग में नहीं आए जो एएसटी वेएसटी बात करो, वो अभी एनालाइज कर रहे हम इन चीजों को, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं। अब बताओ, अब कुछ पूछना है तो अभी एएसटी वेएसटी छोड़िए, वो सब आ जाएगा कल के बाद, कल के बाद वही पढ़ना है, कल के बाद वही पढ़ना है। बताइए करूं क्वेश्चन, डिजाइन से कैसे क्या डिजाइन, डिजाइन तो क्वेश्चन तो डिजाइन ही हो, क्वेश्चन तो डिजाइन ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, डिजाइन से कैसे क्या, क्वेश्चन तो डिजाइन है पहले से, ग्रेड सब कुछ तो डिजाइन, डिजाइन तो दिया हुआ है, डिजाइन तो किया हुआ है, इसमें डिजाइन क्या करना है। डिजाइन ही उसमें कुछ करना ही नहीं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं नेक्स्ट। अब आप मुझे जवाब देना, जवाब देते रहना प्रीवियस पेज, तो लिखिए इफ, क्वेश्चन है फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो सारे हो ही जाएंगे आपको आपके। इफ इफ द, इफ द करैक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, इफ द करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ऑफ कॉन्क्रीट एफसी के इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज स्ट्रेंथ बिलो, स्ट्रेंथ बिलो नॉट, नॉट मोर देन, मोर देन 50%, 50% results are expected to fall, expected to fall, to fall. Then mean strength of concrete is, mean strength of concrete is, mean strength of concrete is, option A, then mean strength of, वो कह रहा है कि आपको सॉरी, then characteristic strength of concrete is, तो कहां गया, कहां गया, इसको मीन नहीं पूछ रहा है, then characteristic strength of concrete is, तो then कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज, ऑप्शन ए एफ एम माइनस 0.1645 इंटू एस, एस यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हमने सिग्मा लिया था, ऑप्शन बी
एफएम माइनस 1.645 इनटू एस, ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड एफएम, ऑप्शन डी एफएम प्लस 1.645 इनटू एस। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। वो कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% रिजल्ट्स, नॉट मोर देन 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा बताना। सी हो जाएगा आंसर। मैंने बोला भी था ये चीज मैं सारी क्लास में पढ़ा रखी है, मैंने ये सारी चीजें क्लास से पढ़ा रखी। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था हमने, ये ऐसे पढ़ाया था। तो ये आप लोगों का जो जेड होता था यहां पर, ये जेड यहां पर कितना होता था, जीरो, इसके नीचे 50%, इसके नीचे 50%, याद है जेड, याद है कि नहीं जेड, याद है। तो सारी चीजें पढ़ा रखी, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, एफएम हो जाएगा यहां पर एफएम निकल जाएगा। अब किसी को डाउट है कैसे आया, तो पहले लेक्चर सुन लेना, सारी चीजें बता रखी, हर एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो बता रखा मैंने आप लोगों को। पढ़ा रखा, यस सर। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कैसे किया है, तो जिसको नहीं पता पहले पुराने लेक्चर सुन लेना, सारे शुरू से लेकर आज तक जितना हुआ है सारा सुन लेना। ऐसा इवन एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं बन पाएगा, सिंगल एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आरसीसी का जो आपका नहीं बन पाएगा पेपर में, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, आरसीसी बीम सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग बेंडिंग मूवमेंट। फर्स्ट है डेड लोड के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा वो आ रहा 20 kN/m, लाइव लोड की वजह से आ रहा 30 kN/m, और सेस्मिक लोड का मतलब अर्थक्वेक हो गया, इसकी वजह से आ रहा 10 kN/m। द डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट फोर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ऑप्शन ए 60 kN/m, ऑप्शन बी 75 kN/m, ऑप्शन सी 72 kN/m, ऑप्शन डी 80 kN/m। अब ये मतलब सर हमें तो पता ही नहीं चीज क्या आई है। अब हाँ, जिन जो फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, अब बताना क्या आएगा क्वेश्चन। क्या निकल के आएगा बताइए, सॉल्यूशन बता रखा। सबसे पहले लोड कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे शुरू में लिमिट स्टॉप कोलैप्स के, तो सबसे पहले लोड कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं, सबसे पहला देखते हैं डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन। तो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से क्या आएगा, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो कितना निकल के आएगा 1.5 डेड लोड कितना है 20, तो डेड लोड 20 प्लस लाइव लोड कितना है, लाइव लोड है 30, तो इसको जोड़िए और कितना निकल के आया फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना निकल गया 1.5 × 3 × 5 = 50, तो 50 और 25 निकल गया, इससे निकल गया 75 kN/m फर्स्ट।
और सेकंड कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, सेकंड कॉम्बिनेशन किसका बनेगा बताना। सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा 1.5 डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, सेकंड कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा आपका 1.5 डेड लोड कितना है भाई, डेड लोड और अर्थक्वेक का बनेगा ना, लाइव लोड नहीं उसमें आपने कॉम्बिनेशन पड़े हुए। तो डेड लोड कितना है, डेड लोड 20 है, 20 प्लस अर्थक्वेक कितना है 10, इससे कितना निकल जाएगा चेक कर लो। थर्ड क्या निकल जाएगा, थर्ड निकल जाएगा 1.2 क्या, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, याद हो सारी चीजें। तो 1.2 डेड लोड कितना है 20 प्लस लाइव लोड 30 प्लस दिस। अब आप मुझे बताओ कितना निकल जाएगा आंसर, तो बी आ जाएगा आंसर, सारे बी आ जाएगा आंसर, बी आंसर आ जाएगा बेटा, बी निकल के आ जाएगा। 45 जो भी आया आंसर क्या निकल के आएगा, वैल्यू तो इनमें से जो भी क्या आ जाएगा, तो 75 दूसरा बोला आपने, 75 दूसरा बोला आपने, 45 और फिर आपने बोला 72। तो ऐसे मत कर देना आंख बंद करके, सर तीन है 1.5 1.2 1.2 1.2, जय राम जी की बेटा, कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, जीरो माइनस में आएंगे नंबर। सारी चीज़ आपको बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत बेसिक तरीके से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी सारे क्वेश्चन वो हैं जो पिछले जो ESC में आए हमारे, जब ESC में आए तो देखो ESC में कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए। गेट को छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, गेट को छोड़ के आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे इसी गारंटी में देता हूँ, गेट को छोड़ के सारे क्वेश्चन में बनेंगे इसकी गारंटी में देता हूँ आपको, छोड़ के गेट को जितने क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे आपको, ये चीज क्लियर है। गेट को छोड़ के मेरी मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों की, RCC की। तो ठीक है, अब गेट की भी गारंटी नहीं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसके लिए इतना पढ़ाऊंगा नहीं मैं, फिर इससे तीन गुना ज्यादा मेहनत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तीन गुना ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अच्छे, ये चीज क्लियर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 4 लोड अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ऑप्शन ए कह रहा कि कॉम्बिनेशन कौन से सही है, ऑप्शन ए आपका 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, और या 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड, और 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड एंड उसके बाद एंड ऑप्शन देके डर जाओगे एग्जाम में, ऑप्शन इतने खतरनाक लेकिन है कुछ नहीं उसमें, एंड 0.8 लाइव लोड प्लस विंड लोड, ऑप्शन बी है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, या फिर
1.5 डेड लोड एंड डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस विंड लोड, ऑप्शन सी 1.5 डेड लोड लाइव लोड और 1.5 डेड लोड एंड विंड लोड और 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड एंड 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ऑप्शन नंबर डी 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड एंड 1 × डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1 × डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस विंड लोड। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन आया, घबरा जाओगे पेपर में। तो कह रहा है कौन सा सही है बताना, दिमाग लगा के बता लेना कौन सा सही है। बताइए जरा, सी ऑप्शन में कुछ छूट गया, मैं आपको बता देता हूं। इसमें सी ऑप्शन पूरा लिख देता हूं, मैं सी ऑप्शन में पूरा लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं मैं ये सी, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ध्यान से देखना। सी क्या है, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड और सेकंड है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड एंड उसके बाद है आपका 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड उसके बाद और 1 डेड लोड प्लस विंड लोड उसके बाद है 1 डेड लोड प्लस विंड लोड और उसके बाद आपका डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस विंड लोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही है। अब देखो जरा, देखो ना कलाकार, पूरी रामायण पढ़ा दी, अब आंसर बोल रहे हैं ये। चलो अच्छी बात है, कंपटीशन तो कम होगा। बेटा एक बात बताओ, यहाँ सुन लो पहले, क्वेश्चन तो समझ लो क्या है। कह रहा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ कोलैप्स के लिए क्या है, तो जहाँ एंड लिखा हुआ ना एंड, इससे पहले वाली चीज सर्विसिबिलिटी कोलैप्स के लिए है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एंड के बाद वाली सर्विसिबिलिटी के लिए। तो एक बात बताओ, ठीक है आपने बोला डेड लोड और लाइव लोड के लिए फैक्टर 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। डेड लोड और विंड लोड के लिए फैक्टर 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। 1.2 डेड लोड लाइव लोड विंड लोड के लिए फैक्टर, यहां तक तो सही है। लेकिन बेटा कोई ऐसा था क्या 0.8 लाइव लोड प्लस विंड लोड, नहीं है ये सही। उसके बाद ये तो सही नहीं है। सी देखो ना, डेड लोड लाइव लोड का लिए 1.5 1.5 1.2, तो ये तो बिल्कुल सही है। तीनों साथ आ जाए तो 1.2 होता है, 2 साथ आ जाए तो ये। उसके बाद डेड लोड लाइव लोड का फैक्टर कितना था सर्विसिबिलिटी में, 1 सेकंड 1
डेड लोड और विंड लोड का, 30 तक क्या ऐसे नहीं था क्या? यहाँ लिखा था डेड लोड, यहाँ लिखा था लाइव लोड, यहाँ लिखा था विंड लोड, तो इसका फैक्टर लिखा था सर्विसबिलिटी 1.8 एंड 0.8, वही तो है, इसके आगे 1 लिखा हुआ उसने, डेड लोड का 1, इन दोनों का 0.8, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा सही। आवादों का दिल अभी भी ए पे कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कुछ गलत का नॉलेज तो चाहिए, क्योंकि सीटें इतनी थोड़ी नहीं आएंगी जितने आप लोग, जितने इंडिया में पूरे डिप्लोमा बीटेक वाले हैं, उतनी सीटें थोड़ी नहीं आएगी, तो बहुत सारे ए भी मान, ए वाले भी होंगे। अभी भी दिल नहीं मान रहा कि सी मानना चाहिए, अभी भी दिल नहीं मान रहा आप लोगों का कि सी मानना चाहिए, बताना जरा। और ये क्वेश्चन आज से पहले अगर इसको बिना पढ़े क्वेश्चन जाओगे ना, डर जाओगे, आप खुद बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आपके पास तब आ जाए जब आप बिना पढ़े गए, आप ये बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है पेपर, नहीं बोलो, आप खुद बताओ। लेकिन डर एक क्वेश्चन कुछ नहीं, डराते हैं, फालतू की बात है। ये बात फालतू की बात है, क्वेश्चन आपको डराते हैं। संजय, बताओ, अरे समझ आ गया चीजें, अभी भी नहीं आई क्वेश्चन, अभी नहीं आया, आधों को अभी भी समझ नहीं आई चीजें, बताना, समझ आया? अरे समझ आया बताइए जरा, अब सुन लो क्या फर्क है, क्या मैं आपको बताता हूं क्या फर्क है, ध्यान से देखना, इरेज, नेक्स्ट, क्या फर्क है जेई एई आईई आईएस जिसका नाम ईएससी है, इसमें और गेट में क्या फर्क है, इसमें और गेट में ये फर्क है। अब गेट कैसे पूछता है इसी चीज को, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, गेट कुछ नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं गेट के भी, कोई बाहर से नहीं आते कॉन्सेप्ट, एई जेई आईई ईएससी तक वो पढ़ा वही पूछेगा जो मैं आप लोगों को लगभग क्वेश्चन कराऊंगा। गेट क्या पूछता है, गेट का देखो लेवल, देखो गेट का वो क्या पूछता है, इफ, अगर आपसे पूछेगा इफ इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स स्ट्रेस ब्लॉक इज कंसीडर रेक्टो ट्राइंगल, हमने क्या बोला था कि रेक्टो पैराबोला होता है, वो कह रहा है अगर नहीं, अगर रेक्टो पैराबोला ना होके रेक्टो ट्राइंगल होगा तो आपसे पूछेगा द टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स तो मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, फिर मैं इसी क्वेश्चन में वो पूछेगा, ये तो मैंने सिंपल पढ़ा है आपको सिंपल, लेकिन वो पूछेगा तो कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, चलो मैं काम करता हूँ, तब कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, इसको चेंज करके, अगर वो रेक्टो पैराबोला ना होके आपका क्या होगा, रेक्टो ट्राइंगल होगा, तो क्या होगा द एरिया ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, द टोटल कंप्रेसिव फोर्स तब कितना होगा, गेट ऐसा पूछ लेगा, तो गेट ऐसा पूछ लेगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, उसको पूछने का तरीका बदल गया, मतलब अब आपको तर्क लगाने पड़ेंगे, कंप्रेसिव फोर्स तो इसका मतलब यहां से देखो, वो कह रहा है सब कुछ सेम है, बस चेंज कर दिया हमने, क्या चेंज कर दिया, लो
ये आपका था, ये आपका बीम था। देखो गेट का लेवल देखो, और किसमें इसमें गेट भी कोई ऐसा वो थोड़ी नहीं कि गेट इंसान जो निकालता, गेट भी गेट कौन सा ऊपर वाले ऊपर से आता कोई निकालने। देखो अब वो कह रहा है सब कुछ सेम रखा, बस हमने स्ट्रेस डायग्राम को चेंज कर दिया। लो स्ट्रेन डायग्राम अभी भी सेम है, स्ट्रेन डायग्राम अभी भी सेम है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। वो कह रहा है हमने बस क्या किया, हमने बस उसमें कुछ नहीं किया। मेरा फोन भी होने वाला बंद, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, ठीक है ये तो स्ट्रेन डायग्राम तो यही है, स्ट्रेन डायग्राम तो यही है। अब ये कह रहा है जो आपका ये बना, ये ऐसा बना, अब ये ऐसा बना, ऐसे 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 और ऐसे, ये ऐसे बन गया। अब बता कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, और ये हमारा वही था, ये हमारा वही था जो बाकी सारी चीजें थी। तो ये वाली डिस्टेंस अगर XU है, ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी XU है, तो ये कितनी आई थी हमारी, सिमिलर ट्राइंगल्स आई थी, 0.42 into XU, ये आई थी 0.42 into XU, कहाँ गया, तो ये आया था 0.42 into XU। तो ये तो सेम रहेगा क्योंकि हमने सिमिलर ट्राइंगल से निकाली थी, और ये वाली 0.42, ये वाली 0.58 into XU। अब वो बोल रहा कि अब बताना कंप्रेसिव फोर्स, गेट ऐसा पूछ लेगा, जरा बताना मैं चार्जर लेकर आता हूँ। तो बताना बेटा, जब आप लोगों ने एक बात बताओ, जब आप लोगों ने पैराबोला का निकाल दिया कंप्रेसिव फोर्स, इसका निकाल सकते हो कंप्रेसिव फोर्स, मुझे बताना सिंपल एक बात बताओ, जब आपने पैराबोला का निकाल दिया तो इसका ही निकाल सकते बेटा, कॉन्सेप्ट तो नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं चुनाएंगे। बस गेट क्या कहता, गेट कहता देखते इसका रटा हुआ कितना है, ESC लेवल तक, AEJL लेवल तक रट के भी काम हो जाता है, कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे भी काम हो जाएगा, गेट पर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। अब आप बताओ, नहीं बताया था, क्या बताया था बताना जरा, क्या टोटल, तो वाई बार टोटल निकाल लो, गेट यहां से घुमा देता है, यही फर्क है गेट और ESC और AEJE में, यही फर्क है। तो हमने देखना टोटल कंप्रेसिव फोर्स, तो याद है वाई बार इज इक्वल टू A1 Y1 plus A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 plus A2। तो A1 कितना है, A1 रेक्टेंगल का A1 आपको पता है ये कितना होता है, ऊपर 0.45 into FC के, ये चीज आपको पता है। इसका एरिया निकालो, A1 ट्राइंगल का एरिया कितना, 0.45 FC के, 0.42 into XU, ये तो निकल जाएगा A1। A2 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है आप लोगों को, ½ into base into height, तो ½ into base into height, तो बेस ये है, हाइट ये है, ट्राइंगल फिर उसके बाद, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 बता देता हूँ आपको, रेक्टेंगल का 0.45 into FC के into 0.42 into XU, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। A2 कितनी हो जाएगी, A2 हो जाएगा ½ into base कितना 0.58 है, ये 0.58 0.58 XU इंटू ये वाला 0.45 FC के, तो A1 A2 पता चल जाएगा, A1 A2 पता चल जाएगा। उसके बाद Y1 क्या होता है, Y1 क्या होता है, ऊपर से निकाल रहे हैं, बताया था, याद है, याद ही नहीं होगा, इसलिए सुनते तो है नहीं ढंग से, इसलिए मैं नहीं बोलता गेट की तैयारी कराता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन हजार करने पड़ेंगे, मतलब आप लोगों को, जिसमें आप लोगों की पूरी की पूरी आपका कॉन्सेप्ट लग जाए, लेकिन फिर भी आपको लेवल पता होना चाहिए। गेट और गेट बस अलग सोचता है, अलग कि इंसान अलग कैसे सोच सकता है, वहाँ पर आपका बहुत तकड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन AEJE ESC आप बिना गेट के तैयार कर सकते। आप ये देखना कि कुछ बंदे ऐसे भी होंगे ESC में तो ESC निकाल देते हैं, गेट में उनकी टॉप 6000वीं रैंक नहीं आती, गेट में उनकी 6000वीं भी टॉप, मतलब गेट क्वालिफाइड भी नहीं होता। बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं कि ऐसे स्टूडेंट कितना आप सर्च कर लेना चाहिए कि जिनका गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ, मतलब उनके 30 नंबर भी नहीं आए गेट में, लेकिन ESC में उन्होंने निकाल दिया, इतना लेवल है गेट और ESC में, आप सोच सकते हो इतना लेवल है। और AE और ESC में कोई फर्क नहीं है, AE और इस ESC में इतना फर्क है, और JE और AE तो बराबर ही है बस, और कोई फर्क नहीं AE और ESC में, एक ही चीज होती है।
अब ध्यान से, अब आप मुझे बताओ, अब मुझे आप बताओ कि यहां से याद है, याद ही नहीं होगा। अब आप बताओ y1 वन यहां से लेकर रेक्टेंगल का cg, तो रेक्टेंगल का cg कहां होता है बताइए जरा, कहां गया, कहां गया, इरेज y1, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा आप लोगों का क्या 0.42 का आधा, 0.42 xu का आधा, क्योंकि इसका cg पर लगता है। y2 कितना हो जाएगा, y2 ट्राइंगल का cg पता है, अब ये भी बता दूंगा सारी, अब ये चीजें सारी बतानी पड़ती है जो सोम में पढ़ा रखे। इधर से, इधर से ट्राइंगल का अगर ये, अगर ये आप लोगों का ये x है, ये अगर ये x है तो ट्राइंगल का इधर से cg कितना लगता है, इधर 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 से ये प्लेन साइड से इधर इधर वाले से ये जो ये बेस से कितना लगता है, तो ये लगता है आपका कितना x बाई थ्री या 2x बाई थ्री बताना, इधर से कितना लगता है x बाई थ्री या 2x बाई थ्री, इधर से कितना लगता है बताना, इधर से x बाई थ्री पर लगता है और इधर से 2x बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेकर इसका इसका 0.58 का एक तिहाई कर दो तो 0.42xu प्लस 0.58xu का वन थर्ड, तो आपको y2 भी निकल जाएगा। y1 को रखिए, y2 को रखिए, आपको स्ट्रेस ब्लॉक का, आपको स्ट्रेस ब्लॉक का इसका टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल के आ जाएगा कि कहां लगेगा, ये तो निकल गया कंप्रेस कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स कहां लगेगा, पहला क्वेश्चन कहां लगेगा, दूसरा क्वेश्चन सुन लो, पहला क्वेश्चन कहां लगेगा, तो कहां लगेगा ये तो निकाल दिया, तो y2 निकाल दो। अब कितना लगेगा कैसे निकालेंगे बताना, कितना है तो कंप्रेसिव, देखो पहला क्वेश्चन, हाँ 2 बाई थ्री, अरे इधर से कितना लगता है, तो कहां लगेगा ये भी निकल जाएगा। अब कितना होगा तो बताना जरा, कितना होगा, तो कितना होगा का मतलब क्या है, ये तो बड़ा आसान है, कितना होगा बताना, कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया एक नंबर का गेट में कि बताना, अगर रेक्टेंगल अगर ऐसा होगा कहां होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कहां होगा, कितना होगा वो बताना, कितना होगा, तो कितना होगा यार, इतना होगा लो, कितना होगा, तो आसान है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे कि सर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया स्ट्रेट डायग्राम, ऐसा बन गया स्ट्रेट डायग्राम, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट डायग्राम ऐसा बन गया तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट डायग्राम ऐसा बन गया, लो सर लो क्या कर दो, आपने पढ़ाया था सर वॉल्यूम निकाल दो बस, इसका इसका वॉल्यूम निकाल दो, जो वॉल्यूम होता है वही स्ट्रेस डायग्राम टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है, नहीं पढ़ाया था, तो वॉल्यूम क्या, पहले एरिया निकाल दो, पहले एरिया निकाल दो, फिर ये बिड़ थी इस बिड़ से गुणा कर दो, और ये वाली चीज कितनी थी एक्स्यू, गेट ऐसा पूछ लेगा, कहां लगा वही बता दिया, कितना लग गया वही बता दिया, लो कितना लग गया, अब इसका एरिया कितना है, इसका एरिया निकाल लो, लो ये वाली चीज कितनी 0.42 इंटू एक्स्यू, ये वाली कितनी थी 0.45 इंटू एफ सी के, ये वाली कितनी थी, ये 0.58 इंटू एक्स्यू, तो सबसे पहले टोटल एरिया निकाल लो, टोटल एरिया क्या निकलेगा, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया कितना है 0.45 एफ सी के मल्टीप्लाई बाई 0.42 एक्स्यू प्लस ट्राइंगल का कितना होता है हाफ इंटू बेस, कितना है बेस आपका वही ये 0.45 एफ सी के, 0.45 एफ सी के प्लस सॉरी इंटू 0.58 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कहां लगा वो भी बता दिया, कितना लगेगा वो भी बता दिया, तो जरा मुझे टोटल एरिया बताओ, इसका टोटल एरिया कितना आ रहा है, अब स्ट्रेस ब्लॉक का टोटल एरिया कितना आ रहा है, अब ये मत बोलना सर ये देखो ये आएगा, ये आएगा बी इंटू एक्स, अब ये नहीं आएगा, ये तब आएगा जब रेक्टो पैराबोला था, ये तब आएगा जब रेक्टो पैराबोला था, ये तब आएगा जब रेक्टो पैराबोला था, ये तब आएगा जब रेक्टो, अब बताओ एरिया कितना निकल के आ गया, अब बताओ कितना निकल के आ गया रेक्टो पैराबोला, अब अगर ऐसा हो जाए तो कह रहा कि क्या हो जाएगा फिर, अब बताना कितना आ गया, अब ये मत बोलना कि सर आता रखा 0.36, अब नहीं आएगा 0.36, अब शेप चेंज कर गया, अब बताओ जरा कितना आया, अब कितना निकल गया बताना, गेट ऐसे पूछ लेता बस घुमा भी थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट पता है, ये चीज ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पता है, एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया निकालना कितना आ गया, अब तो एरिया निकल के आ गया कितना, तो इसका जो एरिया निकल के आ गया वो निकल के आ गया कितना 0.3195 एफ सी के इंटू एक्स यू, एरिया निकल के आ गया, अब इस एरिया को, एरिया को बी से गुणा कर दो, वॉल्यूम निकल गया, जो वॉल्यूम होता है वही कंप्रेसिव फोर्स होता है, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स ये निकल के आ गया, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ये निकल के आ गया,
तो हम 0.31 को 0.32 ले लो, तो 0.32 बी से गुणा कर दो, बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू, ये निकल जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ये निकल जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ही निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स। गेट ये पूछता है, ये ले, ये डिफरेंस है बस गेट और ईएसई में और ए और जेई में, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। गेट वही निकाल सकता है जिसको कॉन्सेप्ट पता हो, जिसको कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन ईएसई और ए और जेई मेहनत करके भी निकाला जा सकता है कि अगर ठीक है आप स्मार्ट स्टडी करो, बस गेट स्मार्ट स्टडी से नहीं निकाल सकता इंसान, गेट के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा तगड़ा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड तो है कि हाँ सोच सकता है कि तर्क शक्ति कितनी की, नहीं कोर्ट ने ये माना था लेकिन अगर ये मानेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन और बाकी एग्जाम छोड़ के इंजीनियरिंग के गेट को छोड़ के बाकी सब एग्जाम आप गधों की तरह मेहनत करके भी निकाल सकते हो, और स्मार्ट स्टडी की ये नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये फर्क है बस। समझ आ रहा है आपको? बताइए, समझ आ रहा है? हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है आप सही करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही तो है ये, तो समझ आ गया, समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया? तो क्वेश्चन आ गेट पूछता है अगर ये होगा तो कहां लगेगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, कितना होगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, कितना होगा एरिया, तो गेट का गेट यूं पूछता है। लेकिन ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर अच्छे से पढ़ोगे ना आप, थोड़ी बहुत मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी आप करोगे, तो आप गेट भी निकाल सकते हो थोड़ी मैं, लेकिन अभी गेट को जितने बीटेक वाले पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मैं साफ कहता हूं कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट से आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे आप गेट निकाल सकते हो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं करूँ। हाँ, जो मैं आपको क्वेश्चन निकालूंगा उससे एई जेई और बाकी पेपर कोई से भी निकल, सफिशियंट, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन सफिशियंट, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? तो गेट को भी, गेट भी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर गेट पे फिर आप क्या होगा, फिर आपको इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी पढ़नी पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ बीटेक वाला ईएससी जरूर भरो और पेपर फर्स्ट की तैयारी करो, आप देखना कि पेपर सेकंड जो आपका रहेगा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये आप लोग इससे आप इसमें बहुत स्कोर कर लोगे आप। ए और ईएससी में कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, जीरो बराबर है दोनों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये होता है कि ईएससी का जो पहला वाला पेपर है उसकी तैयारी नहीं करा सकता मैं अभी, ये दिक्कत है बस, है ना? मेरे को उसकी फैकल्टी है कि पेपर फर्स्ट करवा दो, इसलिए मैं ए और जेई की गारंटी देता हूँ कि हाँ उससे वो तो हो ही जाएगा। अरे मुझे ये बताओ आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट जगा कि यार, हाँ पढ़ने में ज़्यादा बेटर है कि पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ने में इंटरेस्ट जगा जब से मैं पढ़ा रहा था, तो एक मतलब मज़ा आ रहा है कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है कि सर, मतलब एक वेट रहता है कि सर कब क्लास लेंगे, मतलब जैसे मैंने कल क्लास नहीं ली तो आपको लगा यार सर ने क्लास क्यों नहीं ली होगी, मतलब लेनी चाहिए थी सर को, लेकिन ठीक है मेरे अपने काम है, 15 दिन के बाद, 15 दिन तक मैं अंदर था, आपको पता है कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, अब बाहर निकलता अपने भी काम होते हैं ना, अब वो काम भी निपटाने पड़ते हैं, कुछ काम छूट गया, 15 दिन पहले काम था वो निपटा नहीं पाया, तो मुझे भी एक दिन मैंने वो काम कर लिया, मतलब ये लगता है कि नहीं यार सर को, सर जितनी मर्जी क्लास ले लें वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं तो अभी बोलूँगा आते कि सर हो गया 3 घंटे हो तो गए, 5 बजे से लेकर 8 घंटे तक, 8 बजे तक आपने पढ़ा दिया, काम हो गया हमारा। बताइए, बताओ, समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, तो बेटा आरसीसी जैसे सब्जेक्ट मैं आपको फेवरेट बना दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, मैं बना दूंगा फेवरेट आपको, जितने सब्जेक्ट से आपको डर लगता है मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं एफर्ट दूंगा, जितना मेरी औकात है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको एफर्ट दूंगा मैं, जितनी मेरी औकात है, लेकिन उसको आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा मुझे कि सर आप आ तो आप भी आदत होगी है कि सर अभी कर रहे हैं बाद में लेक्चर सुन लूँगा, बाद में लेक्चर सुनूंगा, आपका डाउट ही क्लियर नहीं हो पाएगा फिर,
जब आपका डाउट रहेगा डाउट ही रह जाएगा। अब क्योंकि हम ऑफलाइन चला नहीं सकते, ऑनलाइन ही कर सकते जो कर सकते, अभी यही ऑप्शन है हमारे पास। अभी यही ऑप्शन हमारे पास, अब सुन लो दो चीजें। मैं आप लोगों को बता दूं ये चीज कि जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों को ऐप में, जो हमारी ऐप है कोचिंग वाली, जो हमारी ऐप है उस ऐप में आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन अपलोड होंगे ऐप में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने असाइनमेंट दे दिया। अभी उसमें टेस्ट पोर्टल उस पर चालू करना है, तो टेस्ट पोर्टल अभी वो आया नहीं हमारा। जैसे टेस्ट पोर्टल होगा तो आपको हमारे ऐप में टेस्ट देने को भी मिलेंगे, डेली टेस्ट होंगे, जैसे SSC वगैरह में होता है सेम पोर्टल दिखेगा आपको ऐप में। तो चलो उसमें तो अभी टाइम लगेगा, हाँ। तो उस अब क्या होगा, ध्यान से ना, मैं आपको ऐप में ऐप डाउनलोड कर लेना सारे जिसके पास नहीं है, आपको ऐप में असाइनमेंट आएगा। असाइनमेंट का मतलब क्या कि आपको पता चलेगा सर ने ये क्वेश्चन दिए, आपको उनको सॉल्व करके मुझे भेजना है। जैसा आप मुझे भेजोगे मैं चेक करूंगा कि कहाँ स्टूडेंट गलत कर रहा है, फिर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा ऐप के थ्रू आप मुझे सबमिट करोगे कि सर ये क्वेश्चन मैंने किया, देखना गलत है कि सही है, फिर मैं आप लोगों के ऊपर एनालाइज करूंगा, आप लोगों को देखूंगा कहाँ आपने गलत किया है, कहाँ स्टूडेंट गलत कर रहा है, तो मुझे पता चलेगा ना, इससे मुझे भी एक्सपीरियंस पता चलता है कि कहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट गलत कर रहा है। हम क्यों बोल पाते हैं, कोई फैकल्टी क्यों बोल पाते हैं कि स्टूडेंट देखो यहाँ से मुझे पता गलत करें, कि उसने भी गलत किया, उसके स्टूडेंट भी गलत कर रहे हैं, तो एक ऊपर चला जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट गलत कर सकता है। ये चीज़ क्लियर। तो ऐप में मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा तो आप मुझे सबमिट कर दोगे, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, ताकि आप लोग एक पूरा पैकेज आप लोगों के लिए मिल जाए। लेकिन ये मेहनत करने का फायदा तभी है मेरा भी, कि अगर मैं आपके लिख के आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको सॉल्व करके देने पड़ेंगे मुझे। अगर मैं आप लोगों को लिख के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपनी फालतू की मेहनत करके आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐप में, आपको सॉल्व करके भी देने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से होना चाहिए, कुछ एफर्ट मेरा आपका। मजा आएगा पढ़ने में, मुझे पढ़ने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, दोनों तरफ से मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे हम जीरो लेवल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे टेंथ का भी, आपको नाइन्थ का भी पढ़ाना होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि दो और दो चार भी अगर किसी को बताना होगा तो मैं बताऊंगा उस स्टूडेंट को, चाहे वो कहीं से भी हो, कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं तो असाइनमेंट आप मुझे सॉल्व करके दोगे, ताकि आपको भी अपनी गलती पता चले और मेरी भी, और आपको मुझे भी आपकी गलती पता चले। उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, जैसे देखो ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आपको, हाँ यार अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कभी तो मैं क्या करूंगा, तो कुछ नहीं कॉन्सेप्ट बता दो ना, ये तो और आसान है, पैराबोला का तो इससे कठिन है। पैराबोला का आप बोलिए कि पैराबोला का एरिया कितना है, इसका तो एरिया और ज्यादा इजी है ना। तो हम कुछ क्वेश्चन में डिजाइन करूंगा खुद से, मतलब जो आपको पेपर में नहीं, जो आपको अभी बुक में नहीं मिलेंगे। क्यों डिजाइन, इसलिए कि अगर मैं डिजाइन करूंगा तो नया क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप बोलेंगे हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो मैं कल, वैसे असाइनमेंट में कल देने वाला था आपको, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट हम देंगे तो उसको सॉल्व करके आप लोग उसी ऐप में मुझे वापस भेजेंगे अपलोड करके PDF, मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट ने दिया है या स्टूडेंट गलत कर रहा है। फिर हम टेस्ट भी कराएंगे बाद में, ऐप में ऑनलाइन टेस्ट होगा, सारा ऐप हमारा तैयार हो जाएगा। कुछ टाइम लग रहा है ऐप में अभी, लेकिन ठीक है, ऐप हमारा 90% तैयार हो गया, बस एक ही चीज़ बचा टेस्ट का। आप टेस्ट आओगे, टेस्ट दोगे, सॉल्यूशन सारी चीज़ उसमें मिल जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो देखते हैं, तो हम नए क्वेश्चन करेंगे। बच्चे जुड़े हुए हैं अभी जिन्होंने ऑलरेडी पेपर क्वालिफाइड कर दिए, जिन्होंने मुझसे पढ़ा तो वो भी कह रहे हैं सर हम आपकी हेल्प कर देंगे क्वेश्चन वेश्चन बनाने में और सारी चीज़ें, तो वो भी क्वेश्चन बनाएंगे मेरे साथ, हम सब टीम की तरह काम करेंगे। इरीगेशन क्लास का मैं भी बताता हूँ थोड़ा सा, इरीगेशन क्लास का अभी थोड़ा बता दूँ, मुझे आधा घंटे का टाइम दो, मैं 20 मिनट पहले आपको बता दूंगा कि इरीगेशन क्लास होगी नहीं, मुझे आधा घंटे का टाइम दो बस, थोड़ा सा मेरा एक दो काम पेंडिंग है, वो एक दो, क्योंकि
घर में तो काम कर नहीं पाया था, सामान सारा यहाँ था, एक दो काम पेंडिंग है, जैसे हो जाएंगे मैं आप लोगों का इरिगेशन क्लास भी तीन तीन चार चार, अब मैं क्लास आपकी छः छः घंटे की बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तीन तीन घंटे की क्लास में मिनिमम लूँगा आपकी, तीन तीन घंटे की क्लास एक क्लास, ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है ना भाई, चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद।